महवा सब्जी मंडी की व्यवस्था को सुधारने के संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंडी के आढ़तियों के साथ बैठक मंडी परिसर में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोई व्यापारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है तो वो 8 दिन तक समझ नहीं पाएगा कि वो संक्रमित है, इसलिए सभी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकान के आगे 1 मीटर की दूरी पर घेरा बना लें और मास्क लगाकर काम करें। सभी व्यापारी अपनी दुकान पर साबुन या सैनिटाइजर रखें और हर 2 घंटे पर अपना हाथ को धुलें और ग्राहकों को भी धुलवाएं। उन्होंने कहा कि कोई फुटकर व्यापारी मंडी में दुकान नहीं लगाएगा। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा, मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव, मंडी समिति के महामंत्री फिरोज अहमद रायन और मंडी के व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पलेदार और तुलक वाला किसको लगाए हो प्रारूप करने के लिए पंजीकरण पंजीकृत वाला उतने करना है, बाकी तो बनना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ नहीं लगाना है, तो
केले वाले जो है वो पीछे जाके हम लगाएंगे। ये जो पट्टी दाहिने वाली खाली रहेगी, बाएं पट्टी से 10-10 फीट की दूरी पे ट्रकें खड़ी रहेगी। फिर पुलिस चौकी से हम आगे बढ़ते हैं, जो मंडी का गेट है जहाँ गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस पर समझिए डिवाइडर है। डिवाइडर के बाएं साइड पे आपका कमिटमेंट हुआ था गल्ला मंडी वालों से कि बाएं साइड पे सब्जी मंडी नहीं लगेगी, दाहिने साइड पे लगेगी, यही हुआ था। तो बाएं साइड पे सब्जी मंडी की कोई गाड़ी नहीं लगेगी और बाएं साइड की जो पट्टी होगी वो खाली रहेगी, बाएं साइड की पूरी पट्टी खाली रहेगी। अब हम लोग दाहिने साइड पे आते हैं जहाँ आपकी सब्जी लगती है। दाहिने साइड की जो सबसे एक्सट्रीम राइट पट्टी है, मतलब सबसे दाहिने साइड वाली जो दीवार को छूती हुई पट्टी है, उसी पे आप अपने जो फुटकर विक्रेता है सब्जी के, जो आपके सब्जी के विक्रेता है थोक वाले, वो लोग उसी पे रह के सब्जी बेचेंगे दाहिने साइड पे। जो हम लोग सुबह बाएं साइड खाली करा था, इसीलिए खाली करा थे, बाएं साइड पूरा खाली रहेगा। जो डिवाइडर है उसका बाएं साइड पूरा खाली रहेगा, दाहिने साइड पे सट के पूरी बना के पर्याप्त आप लोग जो सब्जी वाले हैं वो लोग सब्जी बेचेंगे थोक वाले। इसमें एक चीज याद रखिए, आप लोग पूछेंगे भी कि जब बाएं वाले दाहिने आ जाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, तो आप उस जगह को और एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते जाइए। मैं इन लोगों को बता दिया हूँ जगह कहाँ पे, उसको और आगे बढ़ाते जाइए। कोई भी आदमी इससे इन्फेक्टेड हो चुका है ये आप जान नहीं सकते 8 दिन तक। 8वें दिन उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी जुकाम बुखार होगा, लेकिन 7 दिन तक हमसे आपसे वो मिलता रहेगा। और आप भी नहीं जानते, आपको लगेगा खांसी नहीं जुकाम नहीं बुखार नहीं, ये ठीक है। और इसका टेस्ट इतना महंगा होने की वजह से पूरे 25 करोड़ या गोरखपुर की बात करें तो 60 लाख जनता का हर आदमी का टेस्ट संभव नहीं है। जब सिम्टम आते तब टेस्ट किया जाता, तब पता लगता है कि ये साधारण फ्लू है या ये कोरोना वायरस का फ्लू है। साबुन सैनिटाइजर से बहुत अच्छा है, सस्ता है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका बाहरी शरीर जो है वो तेल से बना है, फैट से बना है। अगर आप आधे मिनट तक अच्छे से हाथ धोते हैं तो इसका बाहरी शरीर टूट जाता है, ये बढ़ जाता है। तो सैनिटाइजर नहीं भी मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। साबुन का प्रयोग समय समय पर करते रहे और अपने हाथ से अपने मुंह के किसी हिस्से को मत छुए। आप क्या काम कर रहे हैं, आपने अपने मुंह के हिस्से को छुआ, पता नहीं क्या इन्फेक्शन था, सब्जी में था कि प्याज में था कि आलू में था, आप बीमार हो जाएंगे। तो अपने हाथ को नहीं छूना है। दूसरा, आपके जो मजदूर काम करते हैं, मैं लगातार एक हफ्ते से देख रहा हूँ, ना तो वो अंगोछा बांधते हैं ऊपर, ना ही मास्क लगाते हैं। अपने को सुरक्षित करना सफिशिएंट नहीं है, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी बीमार ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने आपको छू लिया तो आपके सारे सैनिटाइजेशन मास्क धरे रह जाएंगे। सबको सुरक्षित करके चलना है, ये बहुत बड़ी आपदा है। दुनिया में अभी निकट भविष्य में या निकट भूतकाल में ऐसा कोई भी रोग नहीं था जिसमें आदमी को आदमी पे शक करना पड़े कि ये बीमार है कि ये स्वस्थ है। इटली देश की स्थिति, चाइना की, अमेरिका की, बड़े बड़े कंट्रीज जो विकसित कंट्रीज हैं वो तबाह हैं। हमारी जनसंख्या उनसे ज्यादा है, हमारे यहाँ उनसे ज्यादा गरीबी है। ये सब चीजें अगर आपने पास रखा फिर भी आपको रोका जा रहा है तब आप मुझसे बात करिए, मैं तुरंत रोका दूंगा। आप गिरा मत करिए कि नहीं ऐसा है, आप साइड मार जाइए, कहीं कोई बात नहीं, आप मुझे फोन दीजिए, मैं बात करूँ मुझसे बात नहीं, हमारे सर को मिला दीजिए, ACM साहब का नंबर मैं आपको देता हूँ, उनसे बात करें, किसी से बात करा दीजिए, देखिए 3-4 बिंदु थे। सबसे पहले तो फुटकर व्यापारी यहाँ पे कोई व्यापार नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो गाड़ियाँ आती हैं जो बेतरतीब तरीके से खड़ी हो जाती हैं उनको सही से खड़ी कराने के लिए यहाँ पे चिन्ह लगा दिए गए हैं रोड पे और अलग अलग जगहों पे, गाड़ियाँ वहीं खड़ी होंगी। तीसरी चीज़ ये कि दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले और मार्ग बनवा दिए गए हैं, ये व्यापारी उसका अनुपालन कराएं, अगर अनुपालन नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौथी चीज़ ये कि रेट जो भी डिसाइड हुआ है उस रेट पर ही सामान बिक्री करें, उससे ज़्यादा पे अगर बेचेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये 4-5 चीज़ें हैं ये इंश्योर करने के लिए कि मंडी में किसी प्रकार की भीड़ न लगे और सही रेट पर सामान जनता को मिले। आढ़तियों के साथ जो यहाँ के परमानेंट विक्रेता हैं उनके साथ बैठक करके उन्हें बता दिया गया है कि उनका जो भी सामान ट्रकों से आता है उन ट्रकों को व्यवस्थित रूप से खड़ा कराया जाए। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब और ACM साहब ने यहाँ पर चिन्हित
स्थान कर दिए हैं, मार्क भी लगा दिया है ट्रक की डिस्टेंस को देखते हुए, वहीं पर ट्रक खड़े होंगे और जो ट्रक खाली होता जाएगा वो वहां से हटता जाएगा और जो भरा हुआ दूसरा ट्रक है वो आता जाएगा। यहां पर जो भी फुटकर विक्रेता थे उन सबको आज से प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि यहां पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके, और उनको भी बेचने का जो फुटकर विक्रेता तो उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था, ये एक परंपरा चली आ रही थी लेकिन उसको भी आज से समाप्त करते हुए सोशल डिस्टेंस के मामले में सभी को अवगाह कर दिया गया है। बीमारी की फैलने की गंभीरता को भी विस्तृत रूप से चर्चा करके बता दिया गया है और सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और ये बेटर से बेटर पोजीशन आपको कल से और आज से दिखाई देगी।